गंजा जिया कौन है? गंजू देख अरे नहीं बस 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 ये गंजा कौन है? एक गुब्बारे पे लड़ाई हो गई है दोनों, गाड़ी हो गई थी पंचर तो दरिया देखने को मिलेगा। जरूरत पड़ी तो मेरे वालदैन ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, ये सब मेरे वालदैन की दुआएं हैं। कोशिश पीड़ बाड़े नी किड़े पीड़ बाड़े नी है नहीं मैं पोटो बाने नो पोटो बनाने नी तो पोटो जब बड़ा थे हो ले पोटो फिर बनाई हैं मैं नहीं लगाई लू मैं पोटो अच्छा, बाने ए ए विच गंजा जिया कौन है? ऐ गंजा कौन है हैं ये कौन है गंजा जिया? अच्छा चाब ए मेरा चाब है गंजा जिया ये इसमें कीड़े हैं बोतल में कीड़े हैं इसमें। गंजू देख तो सही इसमें कीड़े हैं देखो कबला भाऊ को दो थोड़े सी भाई को दो नहीं नहीं बस 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 भाई फंस जा गया गुस्सा देखें जी इसका हाँ लेने भाई लेने और रहने दे यार क्या करना है हैं कि लेना है जान भी आ रहे हैं फिर वेलकम कर गया उन्होंने भाईजान आ जाओ भाईजान आ गए केड़े मसले फंसे हो जी क्या कर रहे हो फिर मोहम्मद ताशफीन क्या कर रहे हो हैं क्या कर रहे हो ये कौन है ये गंजा कौन है? ये शबाज शरीफ है वो नवाज शरीफ है। ए जी बेबी प्रो मैक्स हर टाइम इधर ही काम है गेम खेलनिया और कोई दुनिया का काम नहीं। ठीक है जी ये तो हम हो गए हैं तैयार अब ऑफिस जाने के लिए जितने कवाड़ ना हो कगी शगी कर ली है निकलने हैं इंशाल्लाह। किस पे जाएं बाइक पे या गाड़ी पे? बाइक पे चलते हैं क्योंकि गाड़ी का मैंने अभी देखा है वो टायर पंचर है। ये पड़ी रहे ऑफिस फोटो स्टूडियो इस पे जाते हैं जी। ये ले लिया बटुआ और आज बिल की आखिरी तारीख है तो ये बिल का भी सारा सामान जो है वो जमा कर लिया है बिल भी जमा करवाना है जी। चाबी भी उठा ली मैं जा रहा हूँ ऑफिस चलना है। अच्छा आ जाओ झूला ले लो तो फिर मैं जा रहा हूँ बंद करो गेम को चलें। हैं वो फोटो बना रहा हूँ ना तुम्हारी फोटो बनाऊँ बना रहा हूँ ये गेम खेल रहे हो तुम ये देख रहे थे ये हाँ जी अब एक गुब्बारे पे लड़ाई हो गई है दोनों भाइयों की। ठीक है जी और ये मेरा ऐसा चीना है इसने ये सारे खा दिए इसको लगता है ये सेब भी असली हैं ये केले भी असली हैं इसने ये सारे ऊपर से खा दिए हैं थोड़े थोड़े। तशफीन का दोस्त मेहराब और तशफीन इसके साथ खेलता है। गाड़ी हो गई थी पंचर तो आज बाइक पे ही जाने का इरादा है। झूला लेने के लिए दोनों हो गए हैं रेडी। गंजे ओ फीन मोहम्मद तशफीन झूला लेना है। ये मेरे गाँव है जी बहुत ही प्यारा है इसका नक्शा है और चारों तरफ दरिया है मेरे गांव के तो जिधर से भी आना है हमने कश्ती पे ही आना है कश्ती के अलावा इसका कोई हाल नहीं है। और एक पुल है यहाँ पर जिसमें पुल से आ सकते हैं बाकी कहीं से भी आना है तो हमने कश्ती पे ही आना है। ये मेरे गांव का खूबसूरत सा व्यू है। ये एक पुल है जी जो पूरे मेरे गांव को दूसरे किनारे से मिलाती है। इसके अलावा जिधर से भी आना है आपने कश्ती पे ही आना है वरना चारों तरफ से आपको दरिया देखने को मिलेगा।
60 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन करके तो मैं ऑफिस जाता हूँ। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने वालदैन पे बहुत ही फ़ख्र होता है, और वो इसलिए भी कि मेरे अबू की उम्र अभी तकरीबन 70 साल से भी ऊपर है, लेकिन आज भी वो अपने बुढ़ापे को लेके या अपनी तरफ से नहीं परेशान। वो मुझे कहते रहते हैं कि बेटा किसी के साथ जुल्म नहीं करना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, हमेशा हमें ये समझाते रहते हैं। जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मुझे नसीहतें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मेरे वालदैन ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये हम कर नहीं सकते, ये हमारी औकात से बाहर है या इस तरह कुछ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अगर ज़िंदगी में आप आइडियल पूछें, हर बंदे का ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडियल होता है, तो मैं ये बिला झिझक कह सकता हूँ कि मेरा मुर्शिद, मेरा आइडियल मेरा अबू है। मैंने बहुत कुछ सीखा अपने वाले साहब से। मैंने अपना काम ज़ीरो से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी गाड़ी भी है, घर भी है और हर चीज़, यानी इंसान को जो चाहिए होता है। हर बंदे का ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडियल होता है जिसे देख के वो सीखता है और उसी की तरह बनने का कोशिश करता है। तो मेरे वालिद साहब सबसे पहले मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे आइडियल हैं, मेरे हीरो हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी खरीद पाऊँगा या मेरी मुझे हर वो आसाइश मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, मेरा काम आसान है, मैं ऑफिस में रहता हूँ। ये सब मेरे वालदैन की दुआएं हैं। कोशिश करें यार आप भी कि अगर आपके वालदैन ज़िंदा हैं उनसे दुआएँ लें, उनकी खिदमत करें, जो कुछ उनको चाहिए उनको प्रोवाइड करें। वालदैन ने हमारे लिए बहुत सारी मेहनत की होती है और हम लोग उस बात को समझते नहीं हैं। हम कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं बस वही ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है यार। जितनी मेहनत हम कर रहे होते हैं हमसे ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, और उन्होंने की हुई होती है तब जाकर हम किसी साइड पे लगते हैं। हमें जो भी सहूलियात मिलती हैं वो उनकी बदौलत मिलती हैं, जबकि हम इस बात को भूल जाते हैं। तो मैं वो वक्त भी था कि मैं काम ढूंढता रहता था, मुझे काम की तलाश थी लेकिन कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं था। फिर मैंने अपना काम शुरू किया और आज मैं मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि यार आप ये करो काम ठीक है, हो जाएगा नहीं होगा या कोई मसला नहीं, सिवाय मेरे वालदैन के। मेरे अम्मी अबू ने कहा बेटा आपको अच्छा लगता है आप करें, हम आपके साथ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 से 3 लड़के जो हैं वो काम करते हैं, तो फाइनली आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वालदैन उस दिन सपोर्ट ना करते तो मैं भी दर बदर के धक्के खा रहा होता। फाइनली हम पहुँच गए हैं जी ऑफिस, और ऑफिस हमारा रेडी है, काम हमारा चल रहा है। लड़के ने खोली हुई थी दुकान, तो आए हैं हम और विज़िट करा देते हैं आपको। ये जी हमारा ऑफिस, और आप भी क्या करते हैं आप भी हमें बताएं थोड़ा सा, ताकि पता चले कि दोस्त क्या क्या काम करते हैं। ये हमारा छोटा सा ऑफिस और हम इसमें बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहे हमारे प्रिंटर और ये हमारे 4K कैमरे। मैं अभी मोबाइल से ही बना रहा हूँ वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कैमरे से ही बनाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।